राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और छत्रपति शिवाजी शाखा सेगांव के तत्वावधान में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संत श्री मोहन जी ने पूजा अर्चना के साथ किया। संघ के यशवंत पाटीदार ने बताया कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और छत्रपति शिवाजी शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अपना जोश दिखाया और 65 युवाओं ने रक्तदान किया है, जिसमें सेगांवा और खरगोन स्वास्थ्य विभाग की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रक्तदाता युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं संघ के युवाओं की पहल और मेहनत रंग लाई है, जिस कारण कोरोना संकट के बाद भी इतने युवाओं ने रक्तदान किया है। सेगांवा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। अधिकारी जिला चिकित्सालय खरगोन से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी शाखा के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 63 यूनिट का कलेक्शन हुआ है टोटल। और अभी लॉकडाउन में ब्लड बैंक की हालत बहुत ही गंभीर है, तो इन लोगों की मदद से थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और कैंसर पेशेंट्स को, जिन्हें की ब्लड बैंक से बिल्कुल मुफ्त में बिना रिप्लेसमेंट के दान दिया जाता है, उसमें बहुत ही मदद मिलेगी। मैं इनका बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम लिखते हो सर? डॉक्टर हेमेंद्र मुख्याला। छत्रपति शिवाजी शाखा के द्वारा आज सेगांव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिकल सेल्स थैलेसीमिया के जो मरीज है, जिनको नियमित रूप से ब्लड लगता है, किंतु कोरोना महामारी के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महाविद्यालय निकाय के द्वारा अलग अलग गांव में ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। उसी के निमित्त ग्राम सेगांव में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक स्वयंसेवकों ने अपना रक्तदान कर अपने इस कार्य में अपनी महती भूमिका निभाई। क्या नाम लिखता? यशवंत पाटीदार, खंड कारवा, सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।